तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। आज जो है मैं क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सिर्फ गद्य खंड के हैं, तो दोस्तों इसमें जो है मैं सिर्फ गद्य खंड के क्वेश्चन बताऊंगा और पार्ट टू बना सकता हूँ मैं पद्य खंड के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, उत्साह के बीच किन का संचरण होता है। दूसरा है दोस्तों, प्रत्येक कर्म में किस तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरा है, शीर्ष किस ऋतु में फूलता है। चौथा है, शीर्ष निर्घात फूलता रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीर्ष की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर है अम्लतास एवं पलास से। नेक्स्ट है दोस्तों, शीर्ष अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जननी और जन्मभूमि किससे अधिक श्रेष्ठ है। दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, गाय के दूध से माँ के दूध की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल की कामना क्या है। उसके बाद जो है क्वेश्चन है, लेखक ने सुबह और सांझ की तुलना माता पिता के किन गुणों से की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति को दो सहज स्थितियां कौन सी हैं। सॉरी दोस्तों, प्रकृति की है जी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूपगढ़ कहाँ स्थित है। इसके बाद दोस्तों, सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरा के पिता को किस बात की चिंता थी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है दोस्तों, नीरा के पिता कूली बनकर कहाँ गए थे। अगला क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों, मीता के विदेश न जाने के पीछे का की क्या भावना थी। इसमें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता के ससुराल वालों ने जात पात की वजह किन बातों को महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमन कौन थी, वह जगदीश के घर क्यों आई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीता अपने जेठ जी जगदीश के घर क्यों आई थी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, विशु ने मंदिर के पूरा होने पर धर्मपद को क्या देने का वचन दिया। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, धर्मपद कौन था, वह विशु से क्यों मिलना चाहता था। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, महामात के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, भोला राम के मरने का क्या कारण था। दोस्तों इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका और सहेलियां अपने जेब खर्चे से पैसे क्यों बचाती थी। दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, महादेवी वर्मा ने अपने बचपन से सबसे पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी थी। उसके बाद का क्वेश्चन है, ईश्वर रूप हुए बिना मनुष्य को क्या नहीं मिलता। उसके बाद का क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार गीता में किस युद्ध का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, गांधी जी की दृष्टि से निषिद्ध क्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, नीरा के पिता को क्या पढ़ने का शौक था। इसके बाद जो है दोस्तों, जहाँ जाए ना जाए वो है अगम्य। तो ये एक शब्द में वो है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद है, जिसे पढ़ा ना हो वो है अपठित। नेक्स्ट है, जिसकी उपमा ना हो अनुपमेय। और लास्ट है, सदा रहने वाला अमर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।